नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज दिखाएंगे आपको कि त्रिलोचन महादेव जो एक ऐतिहासिक मंदिर में इसका नाम आता है, यहाँ पर एक सरोवर है जिसको कहा जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से कुष्ठ रोग सही हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मंदिर के जो सरोवर है इसमें इतना गंदगी है कि अगर इसमें कोई नहा ले तो शायद उसका कुष्ठ रोग तो सही ना हो और उल्टा उसको कुष्ठ रोग हो जाए। मंदिर प्रबंध कमेटी को इसकी जानकारी दी गई लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही मंदिर पर इसकी सफाई की व्यवस्था की गई है। ऐसा जानकारी मिली है कि यहाँ पर सफाई कर्मी नियुक्त हैं फिर भी वो सफाई के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं और जो सफाई यहाँ पर होती है आप देख सकते हैं कि सफाई किस तरह से होती है। और ये कुंड जो है एक ऐतिहासिक कुंड में इसका नाम है तो उम्मीद लगा सकते हैं कि जब ऐतिहासिक कुंड का ये हाल है तो लोगों में क्या संदेश जाएगा इस सफाई व्यवस्था को लेकर। प्रबंध कमेटी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें क्योंकि यह ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर का नाम बहुत दूर दूर तक है और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ लगती है, दर्शनार्थियों की भीड़ लगती है जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब यहाँ की सफाई व्यवस्था को देखेंगे तो उनका सवाल एक ही होगा कि इस ऐतिहासिक मंदिर का इतना नाम है तो यहाँ की सफाई व्यवस्था इतनी ख़राब क्यों है। तो मैं प्रबंध कमेटी से एक बार निवेदन करूँगा कि इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इसका सफाई करवाएं ताकि ये जो कुंड है इसका नाम बना रहे। अगर आप सभी मेरे इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जल्दी से जल्द इसका निवारण हो सके। धन्यवाद।